ड्रामा सीरियल मोहलत की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। माहम अपनी माँ को कहती है, अम्मी आपको क्या हो गया, कभी आप नवेरा की शादी ईसा से करवाना चाहती हैं तो कभी रिदा की, आपको समझ क्यों नहीं आता वो लड़का इन दोनों के लिए ठीक नहीं है। जिस पर जाहिदा बेगम रोते हुए कहती है, माहम तुम्हें क्या हो गया, मुझे कभी कभी तो इस बात पर शक होता है कि तुम मेरा ही खून हो, बेटा वो तुम्हारी बहनें हैं, उनसे क्यों इतना हसद करती हो। जिस पर माहम कहती है, अम्मी मुझे लगता है कि आप मुझे भूलती जा रही हैं, अब आपको वो अपनी दोनों बेटियां बहुत प्यारी होने लगी हैं। वो माहम जो कि कभी आपकी आंखों का तारा हुआ करती थी, अब उसी माहम से बात बात पर झगड़ती हैं। जिस पर जाहिदा कहती है, बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो दोनों भी तो मेरी ही बेटियाँ हैं, तुमने हमेशा से उन पर तरजीह दी है अपने आप को, मगर अब और नहीं, मैं अपनी बेटियों को यूँ तड़पता नहीं देख सकती। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे, दावर ताहिर साहब से मिलने आता है। वो ताहिर साहब को कहता है, ईसा शादी करना चाहता है नवेरा से, प्लीज़ आप नवेरा का रिश्ता दे दीजिए ईसा के लिए। जिस पर ताहिर कहता है, मगर वो तो रिदा से शादी नहीं करना चाहता था। जिस पर दावर कहता है, ये इस बात की गलतफहमी हो गई थी, वो रिदा को नहीं वो नवेरा को पसंद करता है और नवेरा से ही शादी करना चाहता है, और वैसे भी क्या हो जाएगा अगर नवेरा हो या फिर रिदा, बेटी तो आपकी ही है ना। जिस पर ताहिर कहता है, अगर रिदा से वो शादी करना चाहता है तो रिदा से उसकी शादी करवा देंगे मगर नवेरा से नहीं, क्योंकि मैं ज़बान दे चुका हूँ। जाहिदा को भी ये बात आप मालूम है कि ईसा शादी करना चाहता है रिदा से, ना कि नवेरा से। तुम समझाओ ईसा को और उसे कहो कि वो रिदा से ही शादी कर ले। जिसके बाद दावर कहता है, ऐसे तो वो ये समझेगा ना कि रिदा बीमार है, इसी वजह से मेरी शादी उससे करवा रहे हैं। ताहिर कहता है, अच्छा समझता तो समझता रहे। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। सुपर एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए।